इस झूठ को फैलाने में, इस झूठ को बनाने में जिम्मेदार कौन है? देश की सरकार, मोदी जी की सरकार। अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, हमारे नेता और हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पहाड़ ध्वस्त हो चुका है। झुकते हैं तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए, और वो झुकाने वाला व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सीबीआई सरकार का तोता है। पहले दिन से ही हम लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरा मामला झूठ की बुनियाद पे खड़ा किया गया है, और इस झूठ को फैलाने में, इस झूठ को बनाने में जिम्मेदार कौन है? देश की सरकार, मोदी जी की सरकार। देश की तानाशाह हुकूमत जिसने ईडी और सीबीआई को मिलाकर झूठ का पहाड़ खड़ा किया, अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, हमारे नेता और हमारी पार्टी को खत्म करने के लिए। लेकिन आज मनीष सिसोदिया जी की रिहाई, उसके बाद बाकी सारे लोगों की रिहाई, और अब हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पहाड़ ध्वस्त हो चुका है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि जब ईडी से उनको जमानत मिल गई तो 22 महीने बाद वो सीबीआई सो के जागती है, जिसने 22 महीने पहले केजरीवाल जी से पूछताछ की थी, 22 महीने बाद सो के जागती है कि केजरीवाल को अरेस्ट करना है। इसका मतलब सीबीआई की अरेस्ट, ईडी की अरेस्ट, ये अपनी खुद की जांच एजेंसी की अरेस्ट नहीं थी, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा कराई गई अरेस्ट थी। तो तानाशाही का अंत होता है, झुकते हैं तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए, और वो झुकाने वाला व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अपने संघर्ष की बदौलत, अपनी ईमानदारी की बदौलत, अपनी निष्ठा की बदौलत दिल्ली के और देश के लोगों की सेवा करके पूरे देश में अपनी लोकप्रियता हासिल की है। उनको जेल के सीखचों के पीछे आप नहीं रख सकते, जेल के सीखचों के पीछे रख के उनके हौसलों को आप तोड़ नहीं सकते। तो ये आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत खुशी का क्षण है, पूरे देश के लिए और दिल्ली के लिए बहुत ही खुशी का क्षण है। अब हरियाणा और दिल्ली के रण में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हम लोग पराजित करेंगे, और केजरीवाल जी के बाहर आने के बाद उस अभियान में भी बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। आज फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सीबीआई सरकार का तोता है। तोता मैना, ईडी, सीबीआई, इनका इस्तेमाल करके आप बाबा साहब के संविधान को खत्म नहीं कर सकते, इनका इस्तेमाल करके आप लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते, इनका इस्तेमाल करके आप दिल्ली की चुनी हुई सरकार को खत्म नहीं कर सकते, अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी और उनकी लोकप्रियता को खत्म नहीं कर सकते। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हुआ है।